अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हसन अफरीदी स्पीक्स। नया पाकिस्तान डिजिटल चैनल के एंकर हसनैन रफीक को रिहा कर दिया गया है। कल उनको हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया गया, बगैर किसी वजह बताए उनको गिरफ्तार किया गया। आइए देखते हैं उनको कल कैसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनकी रिहाई पर बात करते हैं। लेके जा रहे हैं बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी जवाब के पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये होती है जबरी गुमशुदगी, ये होती है जबरी गिरफ्तारी। FIA बगैर किसी वारंट के हसनैन को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, ये देखें। तो आपने सुना कि FIA ने बगैर किसी वजह से हसनैन रफीक को कल गिरफ्तार किया। शायद हसनैन रफीक को इनसे नया पाकिस्तान के नाम से भी छेड़े, क्योंकि इनके चैनल का नाम नया पाकिस्तान है और ये नारा इमरान खान साहब ने लगाया था। नाजरीन, ये पहली दफ़ा नहीं है कि हसनैन रफीक को गिरफ्तार किया गया। या पिछले साल भी जब इमरान खान साहब के जलसे हो रहे थे तो उनको शायद एबटाबाद के एक जलसे से उठाकर लेकर गई थी पुलिस, और वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। नाजरीन, नया पाकिस्तान के एंकर से हुकूमत को इसलिए भी शायद नफरत है कि वो इमरान खान साहब के सारे कोर्ट हेयरिंग भी कवर करती है और इमरान खान साहब के जलसों में भी जाते हैं। इस वजह से हुकूमत को इनसे थोड़ी सी नफरत है कि ये इमरान खान साहब को ज़्यादा कवरेज देते हैं। हसनैन रफीक ने रिहाई के बाद क्या मैसेज दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हसनैन भाई को अभी सेशन कोर्ट से रिहा कर दिया गया है बट्टी साहब की अदालत से, और मुकदमा को डिस्चार्ज कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई क्या समझते हैं, अभी भी हाई स्पिरिट है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। रात कैसी गुजरी? बस जेल में रातें कैसे गुजरेंगे? अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, और बस यही दुआ है हमारी। बहुत शुक्रिया।